हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे गोल्ड और सिल्वर का एनालिसिस। तो गोल्ड और सिल्वर के जो टारगेट थे इन्वेस्टर के लिए, मुझे लगता है कि इस साल के लिए वो आ चुके हैं। तो यहाँ मेरी सलाह रहेगी कि जो भी इन्वेस्टर है और जिन्होंने नीचे के लेवल पे गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट किया था, उन्हें कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक करना चाहिए। या हमने लगभग गोल्ड में देखा है, ये गोल्ड का मंथली चार्ट है और आप देख सकते हो कि इस महीने हम लगभग 4.5% ऊपर ट्रेड कर रहे हैं और ऊपर के लेवल से अच्छे खासे नीचे आ चुके हैं। लास्ट मंथ हमने 6.5% का गेन देखा था और यहाँ जो इस साल के जो टारगेट थे हमारा लगभग 55,600 का, वो ऑलरेडी अचीव कर चुका है। हमने हाई देखा था लगभग उसके अराउंड 55,558 पे। तो यहाँ गोल्ड पे जो मुझे लगता है कि यहाँ इस साल के टारगेट अचीव हो चुके हैं और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है जिन्होंने नीचे के लेवल पे इन्वेस्ट किया होगा, उन्हें कुछ ना कुछ प्रॉफिट जो है तो बुक करना चाहिए। फिजिकल गोल्ड की बात कर रहा हूँ मैं, ना कि फ्यूचर ट्रेडर की। या फिर जो गोल्ड ETF में जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, उन्हें कुछ ना कुछ थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना चाहिए यहाँ से, क्योंकि करेक्शन आ सकता है और नीचे फिर से हम जो है तो 47-48 के लेवल देख सकते हैं गोल्ड में। और यहाँ एक बात भी ध्यान रखनी है, जिस तरह से क्रूड नेगेटिव में गया था और वहाँ से हमने 10,000 के लेवल देखे, उस तरह से गोल्ड में भी ऊपर के लेवल से अच्छा खासा करेक्शन आ सकता है। और अगर डीपर करेक्शन आता है अगर गोल्ड में, तो हम लगभग 41-40 के लेवल भी देख सकते हैं लॉन्गर टर्म में। तो वहाँ आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी फ्रेश एंट्री करने की। अगर आपके पास गोल्ड है फिजिकल में, तो कुछ ना थोड़ा सा बुक कर लीजिए, जो प्रॉफिट है आपको मिल रहा होगा उसमें प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। अभी जो ट्रेडर हैं उनके लिए मुझे लगता है कि गोल्ड जो है तो टॉप आउट हो चुका है। जो टारगेट थे वो सभी अचीव करने के बाद अभी जो है तो करेक्शन फेज में है और ये करेक्शन लगभग 49-48 के लेवल तक जा सकता है। यहाँ मेरी शॉर्ट करने की राय नहीं होगी, क्योंकि यहाँ वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी, तो शॉर्ट बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि ये अगेंस्ट द ट्रेंड होगा। अगर करेक्शन होने के बाद जब रिवर्सल आएगा तब हम उसमें एंटर करने की सोचेंगे, या फिर सेल सिग्नल आने के बाद में। अभी फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि गोल्ड जो है तो करेक्ट हो सकता है 48-49 के लेवल की तरफ। सिल्वर जो है तो आप सिल्वर देख सकते हो मंथली चार्ट में, तो इस महीने हमने सिल्वर में हाई देखा था लगभग 73 का। तो यहाँ भी सिल्वर में जिनके पास फिजिकल सिल्वर होगा, उन्हें कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक करने की सलाह होगी, क्योंकि सिल्वर जो है तो यहाँ थोड़ा सा वोलेटाइल कमोडिटी है, तो यहाँ भी करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। ऊपर जो है तो ऊपर के लेवल पे लगभग अभी तक उसके टारगेट नहीं आए, मगर अगर गोल्ड करेक्ट होता है तो सिल्वर में भी आपको करेक्शन देखने को मिलेगा। तो इससे अच्छा है कि अगर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है तो उसमें से कुछ क्वांटिटी जो है तो बुक करना सही रहेगा। जो फिजिकल जिन्होंने प्योर सिल्वर में इन्वेस्ट किया होगा, उनके लिए ये सलाह है, क्योंकि मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म जो है तो दोनों के टॉप बन चुके हैं इस साल के लिए, और यहाँ से हम जो है तो नीचे के लेवल आते हुए देख सकते हैं। अगर वॉर की सिचुएशन एस्केलेट हो जाती है तो फिर से हम नए हाई देख सकते हैं, मगर मुझे लगता है कि जिस तरह से दोनों तरफ से कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं, तो हो सकता है कि ये डी एस्केलेशन की तरफ जा रहा है वॉर की सिचुएशन, और ये कुछ दिनों के बाद में थोड़ा सा ठंडा पड़ जाएगा, तो उसकी वजह से आपको कूलिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा बुलियन और सिल्वर, बुलियन कमोडिटीज़ में। तो गोल्ड और सिल्वर दोनों के भाव जो है तो थोड़े से करेक्शन में दिखाई देंगे। डेली चार्ट पे आप देख सकते हो कि दोनों ने टारगेट अचीव करने के बाद करेक्शन दिया है, और ये जो कैंडल बनी है करेक्शन की, तो मुझे नहीं लगता कि इन कैंडल को पार कर पाना इतना आसान होगा गोल्ड और सिल्वर दोनों को भी। तो यहाँ से हम धीरे धीरे साइडवेज और करेक्शन पे ही जाएंगे, साइडवेज या फिर नीचे के लेवल जो है तो धीरे धीरे आते हुए दिखेंगे आपको। तो यहाँ नीचे जो मेजर सपोर्ट दिखता है डेली चार्ट पे, वो 64 के अराउंड दिखता है। तो अगर डीपर करेक्शन आता है सिल्वर में तो हम 64 लेवल देख सकते हैं, और गोल्ड में जो है तो लगभग 48-49 के लेवल जो है तो गोल्ड दिखा सकता है। तो दोनों में जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है और जिन्हें नीचे के लेवल पे बाय किया था, उन्हें थोड़ा प्रॉफिट बुक करने की सलाह होगी। और जो ट्रेडर है उन्हें फिलहाल के लिए अभी शॉर्ट पोजीशन अवॉइड करने की सलाह होगी। अगर आपको शॉर्ट करना है तो उसको कैरी मत कीजिए, इंट्राडे में जो करना है वही इंट्राडे में ही कीजिए, क्योंकि यहाँ जो है तो आपको कहीं भी गैप अप गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलेंगे। ठीक है, शॉर्ट में गैप डाउन मिलता है तो अच्छी बात है, क्योंकि वो प्रॉफिट में जाएगा, मगर आपके अगर बहुत सारे न्यूज़ फ्लो पे कभी कभी बुलियंस जो है तो गैप अप ओपन होते हैं, तो उसमें आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो सकता है, या फिर आपको मार्जिन कॉल पे बैठ सकते हैं। तो यहाँ जो है तो आपको शॉर्ट का अगर शॉर्ट करना है तो इंट्राडे में कीजिए, इसको कैरी मत कीजिए। और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उन्हें कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक करने की सलाह होगी,
और जो हमने टारगेट दिए थे वो दोनों टारगेट अचीव हो चुके हैं गोल्ड और सिल्वर के। लॉन्गर टर्म में भी गोल्ड का तो आ गया, सिल्वर का नहीं आया है, मगर हमने 73 के लेवल देखे। मगर इस महीने के जो टारगेट थे मेरे 72,600 के, आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हो सिल्वर के एनालिसिस में, तो वो सभी टारगेट अचीव कर चुका है गोल्ड और सिल्वर। तो यहाँ मेरी सलाह रहेगी कि प्रॉफिट बुक कीजिए और फिर से जो है तो वेट कीजिए सपोर्ट तक आने का, वहाँ से रिवर्सल आता है तो फिर से हमें नए हाई भी देखने को मिल सकते हैं। मगर फिलहाल मुझे लगता है कि हम इस साल के लिए टॉप आउट हो चुके हैं गोल्ड और सिल्वर में, और यहाँ से हम धीरे धीरे करेक्शन और कंसोलिडेशन फेज भी जाएंगे। ऊपर के लेवल आने की संभावना मुझे बहुत कम लगती है। तो आई होप सो कि जिन्होंने नीचे इन्वेस्ट किया होगा तो उन्हें तो ऑलरेडी अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, और गोल्ड सिल्वर ने बहुत ही क्विकली दोनों ही कमोडिटी ने अच्छे खासे प्रॉफिट दे दिए हैं हमें। तो इनको बुक करना और प्रॉफिट बुक करना सीखिए, अगर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है तो उसको बुक करना भी ज़रूरी है। तो आई होप सो कि ये जो एनालिसिस है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, और आप अगर आपके पास मुनाफा है तो ज़रूर बुक कीजिए, या फिर कुछ ना कुछ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाइए उसको, क्योंकि यहाँ जो है तो सडन मूव आ सकती है नीचे के साइड पे भी, और जो प्रॉफिट है आपके वो पूरे गायब हो सकते हैं। तो उतना ख्याल रखिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप मेरी जो कमोडिटी सर्विस है वो ज्वाइन करना चाहते हो तो उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।